स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच तीसरा डे और नाइट टेस्ट मैच 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोस्तों आप ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 पर स्टार स्पोर्ट्स हॉटस्टार और जियो टीवी पर देख सकते हैं। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में जहां इंग्लैंड ने जीत हासिल की, वहीं दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने वापसी करते हुए इंग्लैंड को हराकर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज पर 1-1 से बराबरी कर ली है। दोस्तों आपके अनुसार तीसरा टेस्ट मैच कौन जीतेगा, भारत और इंग्लैंड? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दें। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं, ऐसे में मैं आज की इस वीडियो में तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हो और आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस मैच को जीते, तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों बात करें तीसरे टेस्ट मैच की, तो भारतीय टीम में तीसरे टेस्ट मैच में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों पहले तो तीसरे टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। इसके अलावा अगर भारतीय टीम में 3 गेंदबाज खेलते हैं तो कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है, लेकिन अगर 2 तेज गेंदबाज खेलते हैं तो कुलदीप यादव हमें तीसरा टेस्ट मैच खेलते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भारतीय टीम में बदलाव की संभावना बेहद ही कम नजर आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों ओपनिंग की बात करें तो नंबर 1 पर बल्लेबाजी करने आएंगे रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं और दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 160 रनों की शानदार पारी भी खेली है और तीसरे टेस्ट मैच में भी वो कमाल का प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। दोस्तों नंबर 2 की बात करें तो इस स्थान पर होंगे शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और तीसरे टेस्ट मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। दोस्तों नंबर 3 पर होंगे चेतेश्वर पुजारा। दोस्तों पुजारा का बल्ला अभी शांत है, लेकिन वो तीसरे टेस्ट मैच में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो इस स्थान पर होंगे कप्तान विराट कोहली। दोस्तों कप्तान विराट कोहली के शतक का इंतजार हम सबको है, इस टेस्ट मैच में वो शतक जरूर लगाना चाहेंगे। नंबर 5 पर होंगे दोस्तों अजिंक्य रहाणे, जो इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन करना चाहेंगे। नंबर 6 पर होंगे विकेट बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। नंबर 7 पर होंगे अक्षय पटेल, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 5 विकेट भी झटके थे। नंबर 8 की बात करें तो इस स्थान पर होंगे आर अश्विन, जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था। नंबर 9 की बात करें तो इस स्थान पर होंगे स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव। नंबर 10 पर होंगे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो इस मैच में वापसी करते हुए दिखेंगे। दोस्तों नंबर 11 पर ईशांत शर्मा हो सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की हो सकती है भारत की प्लेइंग 11 तीसरे टेस्ट मैच में। दोस्तों आपके अनुसार तीसरे टेस्ट मैच में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जोड़ दें और स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।